हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर में खून की कमी के बारे में। हम जानेंगे शरीर में खून की कमी क्यों होती है, कैसे होती है, शरीर में खून की कमी होने के कौन से कारण होते हैं, यदि आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही आप इन्हें दूर करने के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शरीर में खून की कमी क्यों और कैसे होती है। देखिए, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने का मतलब होता है आपके शरीर में अनेक तरह की बीमारियाँ होने लगना। मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है। बिना आयरन के शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वह खून को लाल रंग देता है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन कम होगा, जिससे शरीर को मिलने वाली ऑक्सीजन भी कम होने लगेगी। और इस तरह से जब आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इससे आपको अनेक तरह की बीमारियाँ होती है। और यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इससे आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो ये हुई एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हीमोग्लोबिन यानी शरीर में खून की कमी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी होना, शरीर में आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, शरीर में फॉलिक एसिड कम होना, इसके अलावा स्मोकिंग, एजिंग और ब्लीडिंग जैसी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे कारण होते हैं आपके शरीर में खून की कमी के। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है या फिर खून की कमी होती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आपको बहुत जल्दी थकान हो जाएगी। आपने थोड़ी सा काम किया होगा और आपको बहुत जल्दी थकान होगी। आपको इसके अलावा आपकी स्किन का जो रंग है वह फीका दिखाई देगा, पीला दिखाई देने लगेगा। आपकी आंखों के नीचे काले घेरे होने की समस्या होगी। इसके अलावा आपके सीने और सिर में दर्द होगा। तलवे और हथेलियां जो हैं वह ठंडी पड़ने लगेंगी। आपके शरीर का जो टेम्परेचर है उसमें कमी आएगी। चक्कर आना, उल्टी और घबराहट जैसी आपके साथ समस्या हो सकती है। पीरियड्स के दौरान आपको अधिक दर्द हो सकता है। सांस फूलना और धड़कने तेज होना जैसी भी आपको कंडीशन दिख सकती है। और आपके बालों का अधिक झड़ना, यदि आपके शरीर में खून की कमी होती है तो आपको ये सारे लक्षण आपके शरीर में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप अपने शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए किन चीज़ों का सेवन करें। तो फ्रेंड, सबसे पहली चीज जो होती है वह होता है गाजर। लगातार गाजर का जूस पीने से और गाजर का सेवन करने से आपके शरीर में खून की कमी पूरी होती है। चुकंदर का सेवन करना भी आपके लिए फायदेमंद होता है। यह आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने के लिए रामबाण की तरह काम करता है। चुकंदर का जूस लगातार पीने से आपके शरीर का खून साफ रहता है और आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं होती है। चुकंदर में आयरन तत्व अधिक होते हैं, जिससे नया खून जल्दी बनता है। इसके अलावा आप अनार का सेवन करिए। आपने ये कहावत सुनी होगी कि एक अनार हमें 100 तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। जो अनार होता है इसमें आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर तत्व होते हैं, जो कि आपके शरीर में खून की कमी को बहुत ही जल्द पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। केला जो होता है, केले में मौजूद प्रोटीन, आयरन और खनिज भी शरीर में खून को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं, तो आप भी इसका सेवन रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। अमरूद का सेवन आपके लिए फायदेमंद होगा। पका हुआ जो अमरूद होता है उसे खाने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, यह भी आपके शरीर में खून को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। सेब का सेवन करना आपके लिए फायदेमंद होता है। अगर आप एनीमिया से परेशान हैं, आपको एनीमिया हो गया है, तो आपके लिए सेब का सेवन करना बहुत ही लाभकारी होगा। सेब खाने से आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है। अंगूर जो होता है यह भी एक बहुत ही पौष्टिक फल होता है। अंगूर में विटामिन, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। अंगूर में ज़्यादा आयरन होने की वजह से यह शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा यह हमारी स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। ऑरेंज यानी कि संतरा जो होता है, यह विटामिन सी के अलावा और भी कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है और इससे न केवल आपके शरीर में खून की मात्रा बढ़ती है बल्कि यह आपके शरीर में खून को बढ़ाने में भी आपकी मदद करता है। टमाटर का सेवन करना भी आपके लिए फायदेमंद होता है। टमाटर को आप एक सब्जी की तरह नहीं, एक गुणकारी फल की तरह देखिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन सी होता है। आप टमाटर का सूप पी सकते हैं या फिर टमाटर का सेवन कर सकते हैं, टमाटर की चटनी खा सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है यह आपके शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाने में आपकी मदद करती हैं। इसके अलावा हरी
सब्जियों और सलाद जो होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। यदि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई है तो आप पालक, सरसों, मेथी, धनिया, पुदीना जैसी जो हरी सब्जियाँ होती हैं इनका सेवन करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों का सेवन करिए। पालक के पत्ते जो होते हैं इसमें बहुत मात्रा में आयरन होता है, तो आप पालक की सब्जी जो है अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा सूखे मेवे जो होते हैं ये भी आपके शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। आप सूखे मेवे में खजूर, बादाम, किशमिश का सेवन करिए, इनमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। रोज़ाना दूध के साथ खजूर खाने से शरीर को बहुत सारे फायदे मिलते हैं और इसका सेवन करने से आपके शरीर में आयरन जो है वह भरपूर मात्रा में मिलता है, जिससे आपके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है और आपके शरीर में खून की कमी दूर होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं यदि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।